का TRLSS क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सर्वेइंग के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। गेट में 2013 में आएगा 1 मार्क का, तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके साथ में जो कंसेप्ट यूज हो रहा है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था, लेटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ ए लाइन आर +78 मीटर एंड -451 मीटर। मतलब लेटिट्यूड जो दिया हुआ है वो +78 है, डिपार्चर लाइन का दिया हुआ -45.1। तो पूछा गया होल सर्कल बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी इज, तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या लेटिट्यूड होता है क्या डिपार्चर होता है। जैसे हम लोग एक डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं, जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो लेटिट्यूड क्या होता है? सपोज ये लाइन जो है ना, उसमें हम लोग लेटिट्यूड, सपोज यहाँ पर कोई एक लाइन ले लिया हम लोग, ये एंगल थीटा है। तो इस पोर्शन में जो ये जो हाइट हो गया, ये इसका लेटिट्यूड कहलाएगा एल, और यहाँ जो इस डायरेक्शन में जो है वो डी कहलाएगा, ठीक है ना। तो लेटिट्यूड जो होता है, सपोज ये इस लाइन का लेंथ है स्मॉल एल है, तो लेटिट्यूड हमारा हो गया एल कॉस थीटा, और डिपार्चर हो गया हमारा एल स्मॉल एल साइन थीटा। तो ये सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला समझना है। लेटिट्यूड मतलब ये हो गया लाइन का नॉर्थ के डायरेक्शन में हम लोग कंपोनेंट ले लिए, है ना। तो ये जो एल ये सब ये हमारा थीटा है, तो ये अगर थीटा है तो ये बी होगा और एच होगा, तो बी और एच में रिलेशनशिप कॉस थीटा होता है। तो ये अगर फाइंड आउट करना है तो कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग बी बाई एच करेंगे, तो वहां से हमारा ये एल का वैल्यू निकल के आएगा लेटिट्यूड का एल कॉस थीटा, और डिपार्चर एल साइन थीटा होगा, ठीक है। तो लाइन के पोजिशन के ऊपर काफी चीज वेरी करता है। जैसे सपोज ये लाइन हमारा किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेटिट्यूड और डिपार्चर दोनों के वैल्यू ही प्लस प्लस होते हैं, ये ध्यान रखना है। लेटिट्यूड भी हमारा प्लस का होता है और डिपार्चर भी प्लस का होता है। जब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं, जैसे हम लोग अब यही लाइन को इस यहाँ ड्रॉ करते हैं, सपोज हमारा ये लाइन यहाँ आ गया ओ ए, ठीक है। तो ये एंगल हमारा अब हम लोगों को रिड्यूस्ड बियरिंग, मतलब क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम होता है, एक होता है होल सर्कल बियरिंग। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में या रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम में हम लोग 0 to 90 डिग्री में करते हैं। तो मतलब ये लाइन ओ ए है, तो ये एंगल हमारा यहाँ पर अभी थीटा हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग लेटिट्यूड लेना है तो ये लेटिट्यूड होगा और ये डिपार्चर होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लेटिट्यूड होगा है ना, वो नेगेटिव होगा और डिपार्चर जो होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि ओरिजिन के राइट में जो होता है हमारा एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, और यहाँ पर हमारा वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है और यहाँ वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। तो मतलब अगर हम लोग लाइन हमारा सपोज फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो उस केस में हमारा जो लेटिट्यूड और डिपार्चर है उसका साइन क्या होगा? लेटिट्यूड जो है हमारा वो नेगेटिव होगा और डिपार्चर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये साइन कन्वेंशन समझना जरूरी है। उसके बाद हम लोग आते हैं जो के जैसे मान लो ए है, ये बी है, दूसरा केस, अगर लाइन हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, सपोज ये हमारा लाइन है ओ ए, ठीक है। तो सिंपल यहाँ देख सकते हैं कि ये अगर लाइन यहाँ पर है तो ये एंगल को लेना है, मतलब या तो नॉर्थ के रिस्पेक्ट में करते हैं या तो साउथ के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो कहने का मतलब जो नज़दीक हो, है ना। तो यहाँ पर साउथ हमारा नज़दीक है, ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ठीक है। तो अगर हम इसका कंपोनेंट लें इस डायरेक्शन में जो कि लेटिट्यूड, वो हमारा नेगेटिव आएगा और डिपार्चर जो है वो भी नेगेटिव आएगा। तो अगर हमारा लाइन ओए थर्ड क्वाड्रेंट में है तो
लेटिट्यूड क्या होता है हमारा, नेगेटिव, और डिपार्चर भी हमारा नेगेटिव होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझना जरूरी है। उसके बाद एक बच गया हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट। हम लोग देख सकते हैं फिर से, हम लोग नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हम लोग ड्रॉ कर लिए। अब क्या है कि लाइन हमारा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में, सपोज ये लाइन है हमारा और यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि ये नॉर्थ से नज़दीक है, साउथ से दूर है। तो नॉर्थ के से हम लोग एंगल मेजरमेंट करेंगे, तो ये हम थीटा मान लिए, रिड्यूस्ड बियरिंग जो है थीटा हो गया। अब यहाँ से समझते हैं हम लोग कि अगर इस लाइन का हम लोग लेटिट्यूड लेंगे तो वाई कंपोनेंट पॉजिटिव आएगा और एक्स कंपोनेंट नेगेटिव आएगा। मतलब अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो लेटिट्यूड पॉजिटिव होगा और डिपार्चर नेगेटिव होगा। तो ये समझना जरूरी है कि अगर हम लोग को लेटिट्यूड और डिपार्चर दिया हुआ है तो उसके साइन से हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमारा जो लाइन है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना। तो हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग अगर ध्यान से देखें कि लेटिट्यूड का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ, लेटिट्यूड +78 मीटर है और डिपार्चर जो है -45.1 मीटर है। तो हम लोग देख सकते हैं कि L प्लस है और D माइनस है। तो L प्लस और D माइनस कौन सा केस में आ रहा है, L प्लस और D माइनस इस केस में आ रहा है। जैसे मान लीजिए फोर्थ केस बताए थे, तो लाइन हमारा ये हो जाएगा हमारा, मतलब हमारा जो क्वेश्चन है उसके अनुसार अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारा जो लाइन है लेटिट्यूड जो कि प्लस है, डिपार्चर नेगेटिव है, तो लाइन हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। मतलब हम इस केस को इस क्वेश्चन के लिए कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो आप समझ में आ गए यहाँ तक। तो ये तो हमारा हो गया थीटा। अब इस पर कंसंट्रेट करते हैं, बाकी का यूज नहीं है तो समझाने के लिए बताए थे। तो रिड्यूस्ड बियरिंग हमारा थीटा है मान लो, तो होल सर्कल बियरिंग हम लोग को निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग एक तो होल सर्कल बियरिंग क्या होगा, नॉर्थ से लेकर ऐसे यहाँ से चलेंगे, ये एंगल हमारा होगा डब्ल्यू सी बी। तो ये मान लो थीटा वन है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले ये थीटा को हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं, और हम लोग को लेटिट्यूड का वैल्यू दिया हुआ है, एल का वैल्यू +78 है, डिपार्चर -45.1 मीटर है। तो हम लोग टेन थीटा हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं कि अगर हमारा इस तरीके से एक ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है इस ट्रायंगल को ध्यान से देते हैं, हमारा ये इस तरीके का ट्रायंगल है और ये थीटा है हमारा, ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो हम लोग को पता है कि अगर यहाँ थीटा है तो ये हम लोग बेस लेंगे और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो इस केस में टेन थीटा जो आएगा हमारा, ये जो वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, टेन थीटा का हम लोग अभी पॉजिटिव में निकाल रहे हैं। टेन थीटा मान लो मोड का साइन दे दिए, तो टेन थीटा पी बाई बी होता है, मतलब कि हमारा डिपार्चर बाय लेटिट्यूड लेना है। मतलब हम लोग -45.1 बाय +78 करेंगे, तो मोड में लेंगे और जब जो भी वैल्यूस आएगा मान लो जो भी डिवाइड करके आएगा वैल्यू, तो जब थीटा हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि यूजिंग कैलकुलेटर टेन इनवर्स दिस करेंगे तो ये 30 डिग्री के आसपास ही आ जाएगा एंगल, ठीक है। तो हम लोग को ये एंगल पता चल गया कि ये 30 डिग्री है ना। तो ये एंगल जब पता चल गया तो हम लोग को डब्ल्यू सी भी निकालना है कि होल सर्कल बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी। तो इस क्वेश्चन में अभी नाम ए बी लिख दे रहे हैं। तो हम लोग को पता है कि थीटा वन प्लस थीटा जो है दोनों का सम, इसका इसका सम कितना होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। और थीटा वन हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो 360 माइनस 30 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 330 डिग्री। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 330 डिग्री होगा।
तो ये समझ में आ गया आपको लेटिट्यूड डिपार्चर क्या होता है, पहले समझा दिए, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग सारे चीज समझाने के बाद इस क्वेश्चंस को सॉल्व किए, तो आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा। और कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो, ताकि और अच्छे से आपको हेल्प कर सके। और चूंकि सर्वे में चार चार नंबर के लगभग क्वेश्चंस आते हैं गेट में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस, क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट है, इतने सारे सिलेबस हैं और उसमें से कोई भी दो या तीन क्वेश्चंस आते हैं। और गेट में प्रिडिक्शन करना काफ़ी डिफिकल्ट है कि क्या आ जाएगा, तो इसीलिए आपको मतलब अगर गेट का अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो मतलब हर एक से सब्जेक्ट को मतलब डेप्थ से चलना पड़ेगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बेस बनाकर मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस को पर फोकस करें लास्ट डेज में, ताकि आपको गेट के समय जो क्वेश्चंस मतलब सेम तो क्वेश्चंस आएंगे नहीं, हम क्वेश्चंस गेट में हमेशा मतलब वैल्यूज अलग होते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है, इसीलिए जितने आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा गेट का प्रिपरेशन हो सकेगा। तो और भी वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आए और क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए। थैंक यू।